केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती हैं। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद गुरुवार को उन्हें पटना के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की एक टीम केंद्रीय मंत्री के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है कि रामविलास पासवान 5 दिनों की प्रदेश यात्रा पर आए थे। वो पटना में एक बैठक कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने सांस लेने में दिक्कत की बात बताई। इस पर उन्हें फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भी लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई है। उनकी पत्नी और बेटे चिराग पासवान उनके साथ अस्पताल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट से सांसद पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एनडीए की अहम सहयोगी है। वह बिहार के बड़े दलित चेहरे हैं। तो पटना के अस्पताल में रामविलास पासवान का इलाज जारी है। उनके समर्थक उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।